वैलेंटाइन डे यानी कि प्यार का दिन। प्यार और रोमांस का बॉलीवुड से हमेशा गहरा नाता रहा है। जहां बॉलीवुड में कई रोमांटिक फिल्में बनी, तो वहीं कई सितारे ऐसे हैं जो शूटिंग के दौरान अपनी को एक्ट्रेस पर दिल हार बैठे। इन्हीं में शुमार है संजीव कुमार का नाम, जिन्होंने हेमा मालिनी से रिजेक्शन मिलने के बाद एक कसम खाई। फरवरी को लोग प्यार के मंथ के तौर पर भी सेलिब्रेट करते हैं। पूरे हफ्ते वैलेंटाइन डे का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। 7 से 14 फरवरी तक वैलेंटाइन वीक मनाया जाता है, जिसमें अपने पार्टनर को अच्छे अच्छे तोहफे देने से लेकर उन्हें इम्प्रेस करने तक में कोई कसर लोग नहीं छोड़ते हैं। अब जब बात प्यार की आती है तो वहां बॉलीवुड का जिक्र तो आम बात है। बॉलीवुड और रोमांस का नाता काफी पुराना है। यहाँ पर ऑन स्क्रीन से लेकर एक दूसरे के साथ काम करते करते अक्सर एक्ट्रेस अपने को स्टार पर अपना दिल हार बैठते हैं, लेकिन कभी कभी ये प्यार एक तरफा ही रह जाता है और स्टार का प्यार मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। कुछ ऐसा ही हुआ था अपने जमाने के मशहूर एक्टर संजीव कुमार के साथ। जी हाँ, जो हेमा मालिनी के प्यार में कुछ इस कदर गिरफ्त हो चुके थे कि एक बार रिजेक्शन के बाद भी उन्होंने उनके घर दोबारा रिश्ता भेज दिया था। जब दोबारा हेमा मालिनी ने उनके प्यार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो संजीव कुमार ने एक ऐसी कसम खाई जिस पर वे डटे रहे। तो क्या था ये पूरा गुस्सा, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। संजीव कुमार की किस्मत फिल्मी पर्दे पर भले ही चमकी हो, लेकिन प्यार के मामले में उनकी किस्मत बेहद ही खराब रही है। उन्हें दो एक्ट्रेसेस से बेशुमार प्यार हुआ, लेकिन दोनों ही बार उन्हें प्यार में सिर्फ निराशा ही मिली थी। संजीव कुमार का पहला प्यार नूतन थी, जिनसे उनकी मुलाकात गौरी फिल्म के सेट पर हुई थी, जिसका जिक्र संजीव कुमार की बायोग्राफी में भी किया गया है। फिल्म के सेट पर उन्होंने नूतन को पहली बार देखा और वह उनकी खूबसूरती पर दिल हार बैठे थे। हालांकि नूतन पहले से ही शादीशुदा थी, ऐसे में इस प्यार को मंजिल नहीं मिली। नूतन की जिंदगी से जाने के बाद संजीव कुमार का एक बार फिर से बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के लिए दिल धड़का। दोनों ने फिल्म सीता और गीता में पहली बार काम किया, जिसका निर्देशन रमेश सिप्पी ने किया था। हेमा मालिनी को देखते ही संजीव कुमार अपना दिल दे बैठे थे। अनु कपूर ने अपने पॉडकास्ट सुहाना सफर में ये किस्सा बताते हुए कहा था कि संजीव कुमार हेमा मालिनी से अपने प्यार का इजहार करने से इतना ज्यादा डरते थे कि जब उनके दोस्त और एक्टर संजय खान को ये पता चला, तो वे खुद एक्टर के दिल का हाल बयां करने के बाद उनके सेट पर पहुंच गए थे। संजीव कुमार ने हार नहीं मानी और एक बार फिर से वह अपनी माँ शांता बेन के साथ हेमा मालिनी के घर शादी का प्रपोजल लेकर पहुंच गए थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। हेमा मालिनी ने साल 1991 में एक खास बातचीत में ये बताया था कि संजीव कुमार को एक ऐसी पत्नी चाहिए थी जो शादी के बाद उनकी माँ की सेवा करे, लेकिन हेमा मालिनी की माँ की चाहत कुछ और ही थी। ऐसा कहा जाता है कि हेमा मालिनी तो शादी के लिए मान गई थी, लेकिन एक्ट्रेस की माँ जया चक्रवर्ती इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी बार शादी का प्रपोजल में रिजेक्शन मिलने की वजह से संजीव कुमार पूरी तरह से टूट गए थे। संजीव कुमार जहाँ हेमा मालिनी के प्यार में थे, तो वही सुलक्षणा पंडित पहली नजर में संजीव कुमार पर दिल हार बैठी थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हेमा मालिनी से रिजेक्शन मिलने के बाद संजीव कुमार को शादी के लिए प्रपोज भी किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेमा मालिनी से हुए एक तरफा प्यार के बाद संजीव कुमार ने ये कसम खा ली थी कि वह कभी भी शादी नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने सुलक्षणा पंडित के शादी के प्रपोजल को ठुकरा दिया था। तो दोस्तों, आपका हमारे इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बॉलीवुड हिकअप्स।